हेलो बच्चों नमस्कार आइए बच्चों आज हम जीपी की क्लास को खत्म करते हैं प्रॉपर तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं नए नए क्वेश्चनों की तरफ ठीक है चलिए जैसे एक क्वेश्चन में ये कराता हूं सबसे पहले एग्जांपल नंबर 15 ठीक है क्या है जैसे आपको ना एक सीक्वेंस दिया हुआ है सीक्वेंस दिया हुआ है क्या है सेवन 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 और इसी तरह एंड टर्म्स तक कहां तक एन टर्म्स तक ठीक है अब आपसे कह रहा है कि भाई अगर ये जीपी नहीं है अगर ये जीपी नहीं है तो इसमें आप क्या कीजिए आप इसमें क्या कीजिए इसको सॉल्व करके दिखाइए कि इसका सम क्या होगा तो ठीक है जी हम इसका सम निकाल देते हैं सीक्वेंस का सम ऑफ सीक्वेंस सम ऑफ सीक्वेंस निकाल देते हैं सेवन प्लस सेवन सेवन प्लस सेवन 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 प्लस सेवन 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 ठीक है प्लस डॉट डॉट प्लस एन टर्म्स कोई दिक्कत नहीं भाई एक काम करते हैं भाई सब में एक चीज तो कॉमन है सेवन मैं ले लेता हूँ सेवन कॉमन अंदर बचेगा वन प्लस वन वन प्लस डॉट डॉट प्लस एन टर्म्स ठीक है अब भाई मुझे एक बात और पता है क्या पता है कि ऐसे तो ये कोई टर्म बनने वाली है नहीं तो एक काम करते हैं क्या काम करते हैं कि भाई नाइन से ही मल्टीप्लाई और नाइन से ही डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमारा काम बैलेंस करके चलना है क्योंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं तो सेवन बाय नाइन इस नाइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन रहेगा कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है क्या मैं इस नाइन को टेन माइनस वन लिख सकता हूं और इस नाइन को हंड्रेड माइनस वन इसको थाउजेंड माइनस वन इसको टेन थाउजेंड माइनस वन और इसी तरह n टर्म्स तक हम काम करते रहेंगे अब भाई अगर मैं बात करूं तो टेन वाली टर्म को एक तरफ अगर अलग कर लू टेन प्लस हंड्रेड प्लस थाउजेंड प्लस डॉट डॉट n टर्म्स ये अलग कर लू और प्लस सॉरी प्लस नहीं क्योंकि सबके बीच में माइनस 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 है माइनस और सारे वन को प्लस प्लस कर लू वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन और ये एन टर्म्स तक अब जैसा कि आप बच्चों बहुत अच्छे से जानते हैं ये बात मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि भाई ये तो आपको जीपी जैसा लग गया आप देखने में। क्यों? क्योंकि आप निकाल के देख लो ए आर देखो जैसा फॉर्मूलाएंगे पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन क्यों क्योंकि एन आर जो आ रहा है वो टेन आ रहा है देखो ना आर जो आ रहा है बच्चों वो टेन आ रहा है हंड्रेड अपॉन में टेन जीरो बड़ा आ रहा है माइनस भाई मैं कह रहा हूं एक को आप वन को आप थ्री बार सम करो तो थ्री आता है वन को टेन बार सम करो तो टेन आता है वन को बीस बार सम करो तो ट्वेंटी हंड्रेड तो आता है तो वन को एन टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा एन ही तो आएगा ठीक है तो सेवन बाय नाइन ए ए कितना है टेन आर भी कितना आया मैंने बताया टेन की पावर एन वन टेन माइनस वन एन अपॉन वन हाँ जी तो क्या बनेगा सेवन बाय नाइन टेन आर की पावर एन आर मतलब टेन की पावर एन माइनस वन अपॉन में सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो बाकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो आपका आंसर ये आ गया तो यहीं पे खत्म करना है तो अब चाहे सात की जगह आठ 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 दे दे नाइन की जगह नाइन 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 दे दे तो फिर अगर नाइन 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 दे दी तो नाइन करने की जरूरत नहीं है तो, तो बात ही खत्म तब तो, तो आपको ये स्टेप पहले दे दिया ठीक है तो यानी कि नाइन छोड़ के अगर सात सात पांच पांच छे छह कुछ भी दे दे आपको इस तरीके से करना है ठीक है चलिए नोट कर लीजिए इसको चलो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री नोट कर लो फिर आज खत्म करते हैं जीपी है ना काफी टाइम हो गया जल्दी जल्दी खत्म करें अब हो गया नोट वीडियो करना है और फटाफट क्या करना है नोट करते चलना है हो सकता है आज मैं आपको दो वीडियो दे दूं ठीक है आज मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम मिलेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की बात करते हैं कह रहा इफ द फर्स्ट एंड द ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स प्रूव दैट पी स्क्तर सॉरी ए बी की होल पावर एन लो जी क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म बी है ठीक है जी पहले फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी भाई जीपी का फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ ए एंड एन एथ टर्म एन एथर्म तो भैया लास्ट टर्म ही हो गया ना वो दिया हुआ बी नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ बस बात खत्म और एक काम कर रहे हैं नाव लेट द कॉमन रेसो ये तो लेट करना ही पड़ेगा ना ये तो दिया नहीं है कॉमन रेसो इज तो कॉमन रेसो क्या मान लोगे आर. हाँ जी नाउ तो अब क्या करेंगे फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म आपको क्या दिया हुआ है ए एंड द टर्म टर्म आपको कितना दिया हुआ है बी टर्म का मतलब होता है ए एन और an को gp में जब खोलते हैं तो अब बनता है ar की पावर n 1 b सही बात है है ना नाउ अब उसने क्या बोला है अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करेंगे क्वेश्चन में बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ द n टर्म्स प्रूव दैट दिस 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 ठीक है जी प्रूव कर देते हैं क्या दिक्कत है देखो सबसे पहले द gp इज द gp इज जीपी क्या है जीपी है हमारी ए कॉमा, ए आर कौ ए आर की स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर एन माइनस अब इसने बोला प्रोडक्ट ऑफ जीपी प्रोडक्ट ऑफ जीपी तो प्रोडक्ट ऑफ जीपी भी कर दो ए डॉट ए आर डॉट ए आर की स्क्वायर डॉट ए आर का क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर एंड माइनस वन आपस में प्रोडक्ट कर दो तो जब आपस में सबको प्रोडक्ट करोगे तो मतलब पी भाई प्रोडक्ट का मतलब क्या सारे आपस में मल्टीप्लाई तो a multiply, a multiply, a multiply, a तो सारे बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी हाँ जी हो जाएगी तो a अगर a दो बार मल्टीप्लाई होता है तो a के ऊपर स्क्वायर आता है a तीन बार मल्टीप्लाई होता है तो a के ऊपर क्यूब आता है a चार बार मल्टीप्लाई होता है तो a के ऊपर 4 आता है लेकिन जब a n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो a के ऊपर क्या आएगा n आएगा इसी तरह r

इन सबको ऐड करोगे तो बनेगा एन एन माइनस वन अपॉन टू ठीक है बच्चों लेकिन क्वेश्चन में मुझे पी के ऊपर स्क्वायर चाहिए जो प्रूफ करने के लिए बोला गया है मुझे उसमें पी के ऊपर क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए तो ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है स्क्वायरिंग बोथ साइड ठीक है दोनों तरफ स्क्वायर कर दो पी के ऊपर भी स्क्वायर कर दो ए की पावर एन आर की पावर एन एन माइनस वन अपॉन टू इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दो तो p का स्क्वायर a 2n r स्क्वायर से स्क्वायर कट गया n n 1 ठीक है जी अब एक काम करते हैं क्या काम करते हैं भाई p की पावर 2n है तो क्या मैं इसको a की पावर n a की पावर n लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं क्यों क्योंकि बेस से मैं पावर ऐड हो जाएंगी n n 2n r की पावर n n 1 ठीक है अब ये देखो मुझे प्रूफ क्या करना है मुझे प्रूफ करना है p का स्क्वायर a b की होल पावर n और b किसके बराबर है b बराबर है ए आर की पावर n माइनस वन यानी मुझे a, R की पावर n माइनस वन बनाना है पहले तो ठीक है जी p a की पावर n क्या मैं इन दोनों को एक साथ ले सकता हूं बच्चों ये बता दो बस मुझे ले सकता हूं कि नहीं a की पावर n डॉट आर की पावर n n माइनस वन इन दोनों का n अगर मैं कॉमन ले लू इन दोनों का एन अगर मैं कॉमन ले लू तो कुछ ऐसा बनेगा क्यों कॉमन ले सकता हूं क्योंकि भाई दो मल्टीपल हो रहा है पावर है तो भाई कॉमन हम ले सकते हैं अच्छा अब बात आती है तो पी स्क्त बराबर आपको बी के बराबर दिख रहा है फर्स्ट मान लेना इसे ठीक है तो इस पूरे की जगह मैं बी रख सकता हूं और इसकी पावर एन और यहां लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो ये बन गया पी स्क्वायर बराबर एन कॉमन ले लो ए डॉट बी की पावर हेंस प्रूफ्ड एंड प्रूफ्ड कोई दिक्कत कोई समस्या लिखो करो इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर करते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ठीक है सो दैट द रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम एन प्लस इज वन अपॉन में आर की पावर एन चलो पहले मेरी बात को समझना फिर मैं आगे इस पे डिस्कस करता हूं पहले इस क्वेश्चन से पहले पहले मैं कुछ बेसिक कराना चाहता हूं देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है भाई मुझे इतना बताओ भाई यहां तक के सम को अगर मैं जोड़ू और यहां तक की अगर सम को मैं जोड़ू तो दोनों में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना बिल्कुल होगा कैसे पांच चार नौ और पांच कितना हो गया भाई पांच पांच दस चार चौदह और एक पंद्रह दस और नौ उन्नीस और आठ उन्नीस और आठ कितने होते हैं भाई सत्ताईस सत्ताईस और तेरह हो गए चालीस गया मतलब हमने क्या देखा कि भाई हमने फर्स्ट टेन टर्म्स लिए हैं फर्स्ट

और 6 से लेकर दस तक देख रहे हैं तो इसमें भी फाइव टर्म्स है ठीक है लेकिन इसके फाइव टर्म्स जो है वो कैसे लग रहे हैं देखने में वो लग रहे हैं फाइव प्लस वन फाइव प्लस टू इस तरह फाइव प्लस फाइव मतलब डबल यानी यहां तक जो टर्म्स थे एन वो यहां पे क्या हो रहे हैं एन प्लस वन से शुरू हो रहे हैं और कहा जाके खत्म हो रहे टू एन पर मतलब हमने क्या देखा कि यहां पे टर्म शुरू हुआ एक से लेके n टर्म्स तक मतलब एक से लेके पांच तक और यहां पे जो हुआ, वो यानी से एक ज्यादा से शुरू हुआ और कहां तक खत्म हुआ टू एन तक टू एन मतलब क्या इसके डबल तक इसके डबल तक लेकिन एक बात याद रखेंगे कि अगर मैं कहता हूं एक से लेके एन तक में एन टर्म है तो एन प्लस वन से लेके टू एन तक में भी कितने टर्म है टर्म है क्योंकि हमने अभी 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 देखा कि अगर एक से लेकर पांच तक में पांच टर्म है तो छे से लेकर दस तक में भी टर्म कितने टर्म होंगे पांच टर्म ही होंगे कितने टर्म होंगे पांच टर्म ही होंगे तो इस बात को हमें यहाँ पे समझना है कि अगर एक से लेकर तक में पांच टर्म है और छह से लेकर दस तक में भी कितने रहेंगे पांच क्योंकि भाई काउंट करके देख लो ना छह सात आठ नौ दस पांच ही है तो एक से लेकर एन अं तक में अगर एन टर्म है तो एन प्लस से लेकर टू तक में भी कितने टर्म होंगे एन टर्म ही होंगे इस बात को हमें पहले समझना पड़ेगा क्योंकि यही है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ठीक है जी चलिए अब शुरू करते हैं अब शुरू करते हैं ठीक हाँ जी चलिए तो सबसे पहले लेट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन रेसो इज आर नाउ दीपी ऑफ एन टर्म्स एंड टर्म्स की जीपी क्या बनेगी बनेगी ए ए आर ए आर का स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर एन माइनस वन ठीक है तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट जीपी ए फर्स्ट जीपी, ये भी ध्यान रखना ठीक है ये भी कर लेते हैं ठीक ये बन गया अब क्या करो सम निकाल लो इफ हा ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी इफ आर इज ग्रेटर देन वन ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया है क्योंकि बच्चों इसमें आर के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, कि भाई वन से बड़ा है या वन से छोटा है ऐसा हमें कुछ भी नहीं बताया गया है इसलिए मैं अपनी तरफ से मान के चल रहा हूं कि आर जो है एक से बड़ा है तो ठीक है जी जीपी को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आर की पावर एन माइनस वन नाउ ना दीपी जीपी फ्रॉम एन प्लस टू टू एन टर्म ठीक है जी चलिए जीपी बनाइए बच्चों टर्म होता है, तो बनता है ए आर की पावर एन माइनस वन तो एन प्लस वन होगा ए आर एन प्लस वन से one कट गया आर की पावर एन प्लस वन अगला ए आर की पावर एन प्लस टू और इस तरह लास्ट में क्या बनेगा ए आर की पावर टू एन माइनस वन ये बनेगा और जब सम निकालेंगे दो सम, दो सम आफ, जीपी इज तो जीपी का जो सम आएगा यानी कि इसको एस एन मान लिया और इसको एस डे मान लिया क्यों क्योंकि से लेकर टर्म के बीच में भी कितने टर्म होते हैं N ही टर्म होते हैं तो ए की जगह पे बच्चों ये पूरा आएगा सही बात है क्योंकि इसने ए की जगह ले ली फिर आर आर भी उतना ही आएगा क्यों चाहे तो निकाल के देख लो ठीक है यह काम करो ना फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी

ठीक है तो क्या आएगा एस एन बराबर ए ए की जगह पे ए आर की पावर एन आर की पावर एन माइनस वन और आर माइनस वन क्यों क्योंकि भाई दोनों के दोनों के जब ये वन से बड़ा है तो अगले आगे का टर्म भी तो क्या होगा वन से बड़ा ही होगा इक्वेशन नंबर सेकंड अब हमें क्या निकालना था रेसो निकाल लो तो एस एन अपॉन में एस डैश एन ठीक है ये डैश है ठीक है तो ये बनेगा ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन और ये बनेगा ए आर की एन

करो जल्दी कीजिए पासवर्ड पासवर्ड क्या जीरो टू सेवन फोर ये किस हिसाब से क्या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्वेंटी फाइव चलिए कह रहा है ट्वेंटी फिफ्थ में इफ ए बी सी डी आर इन जीपी अगर अगर ए बी सी डी जी पी में है तो हमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर ठीक है चलो हाँ जी सबसे पहले काम करो क्या काम करो भाई लेट ए बी सी एंड डी आर इन जीपी ठीक है जी तो ए बी सी डी जीपी में है अब जीपी के चार टर्म होते कैसे हैं तो लेट कर लो ठीक है लेट कर लो कि भाई ए ए के बराबर है बी ए आर के बराबर है C A R की स्क्वायर के बराबर है और D A R के भाई क्यूब के बराबर है भाई ऐसे ही तो होता ना जीपी का फर्स्ट में सेकेंड ए आर अगला ए आर की स्क्वायर ए आर की क्यूब सो so, जीपी क्या बन गया A, जो GP बना आपका ए ए आर ए आर की स्क्वायर ए आर की क्यूब ये आपका जीपी बन गया अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इसे प्रूव करना है भाई हमें इसे प्रूफ करना है इक्वल और ये हमें करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में करेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ए a, a ही रहेगा बी ए आर का स्क्वायर रहेगा सी ए आर की स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा बी ar का स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा ए आर की स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा ए आर की क्यूब का स्क्वायर रहेगा और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की फोर और ये बनेगा ए स्क्वायर आर की फोर प्लस ए स्क्वायर आर की नहीं नहीं, नहीं 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 कुछ गड़बड़ है भी में R square, और ये आर की फोर और ये ए स्क्वायर आर की पावर सिक्स इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आएगा वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर इसमें से भी ए स्क्वायर कॉमन आएगा आर स्क्वायर भी कॉमन आएगा और अंदर बचेगा वन प्लस आर की पावर स्क्वायर आर की पावर फोर क्यों ए आर की स्क्वायर निकल गया वन ए स्क्वायर में निकल गया आर स्क्वायर तो चार में दो गया दो ए स्क्वायर आर के सिक्स में दो निकल गया चार तो भाई ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए की फोर आर की स्क्वायर और वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर फोर का होल स्क्वायर क्योंकि ये भी है और ये भी है ठीक है ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड अब देखते हैं राइट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड भी वही आ गया तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर तो ए बी ए ए आर बी कितना सी कितना, R, C कितना की C कितना की स्क्वायर स्क्वायर सी कितना डी कितना ए आर की क्यूब और इसका स्क्वायर तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर आर ए स्क्वायर आर की क्यूब ए स्क्वायर आर की फाइव स्क्वायर हाँ भाई ए स्क्वायर कॉमन ले लो आर कॉमन ले लो अंदर बचेगा वन प्लस में आर का स्क्वायर प्लस आर की फोर का स्क्वायर क्यों बना क्योंकि देखो ना आर कॉमन ए स्क्वायर आर कॉमन ले लूंगा यहाँ बच्चे का वन ए स्क्वायर आर क्यू में से एक आर निकाल लूंगा स्क्वायर ए स्क्वाइव में से आर की पावर फोर ए आर की स्क्वायर तो भाई ये तो दोनों बराबर प्रूफ हो गए सो so, लेफ्ट right और हम बोल सकते हैं कि भाई सो so, D आर इन जी पी नोट कीजिए ठीक है ठीक है बच्चों चलो सोच रहा हूँ दूसरी वीडियो बना के देता हूँ अभी तो मेरा टाइम सेकंड क्लास का हो गया ठीक है लेकिन मैं जल्दी कोशिश करता हूं कि अगली वीडियो भी आज ही प्रोवाइड करा दूँ ठीक है तो इसको कीजिए आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक है इतने क्वेश्चन कवर कीजिए बाकी के क्वेश्चन हो सकता आज ही नहीं तो कल ठीक है देखिए कल आपकी क्लास नहीं है मैं फिर भी प्रोवाइड करूंगा आपको ठीक है चलो बाय